हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशंस पर। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिवाली का पोस्टर कैसे बनाएंगे। जैसे दिवाली आने वाली है और दिवाली के अवसर पर लोग होल्डिंग बैनर वगैरह बनवाते रहते हैं, और ये विशेष के लिए भी बनवाते हैं, और फ्लैक्स डिजाइनिंग भी इसकी की जाती है जो कि आपको चौक चौराहों पर मिल जाएंगी जो लगी हुई है, शुभकामनाएँ का पोस्टर या फिर आपको होर्डिंग मिल जाएंगी। तो उसी तरह से आज हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं एक होर्डिंग डिजाइन जो कि फोटोशॉप के अंदर है। आप इसको कोरल में भी बना सकते हैं, लेकिन आज का टॉपिक है फोटोशॉप में, तो हम फोटोशॉप में शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास एक PSD फाइल यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है जो कि हमने पहले बना रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका कुछ आप इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं, और लेकिन अभी इसमें कोई भी फ़ोटो नहीं लगी हुई है तो फ़ोटोज़ हम लगाएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि ये कलर करेक्शन वगैरह आप कैसे कर सकते हैं, और ये टेक्स्ट वगैरह आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप इसको लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये सब PNG वगैरह कहाँ पे आपको मिलने वाली है, तो ये मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नया साइज लेंगे, नया पेज लेंगे। जैसे कि हम अभी एग्जांपल के तौर पे आप मोबाइल पे शेयर करने के लिए एक पोस्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर एक 9x16 का एक साइज़ यहाँ पे ले रहे हैं। तो Ctrl+N करेंगे या फिर फाइल में जा करके न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक साइज़ यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब हम यहाँ पर मिलता जुलता साइज़ ले लेते हैं, जैसे कि हम पोर्ट्रेट में 5x7 का यहाँ पे साइज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिया और यहाँ पे ओपन कर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो एक यहाँ पे इस तरीके का मिलता जुलता साइज़ कुछ बन जाता है। तो हम दोनों को ड्रैग करेंगे इस तरह से नीचे की तरफ, तो ये साइज़ जो है यहाँ पर आ जाता है, और ये वाला जो आपका है मैटर ये यहाँ पर आ जाता है, इसको भी हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ पर रख देंगे, और ये वाला जो साइज़ है इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए, ये दोनों साइज़ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, एक बैकग्राउंड यूज़ किया है जो कि आप इस तरह से बैकग्राउंड देख सकते हैं। ये बैकग्राउंड आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा, जैसे डालेंगे दिवाली बैकग्राउंड। जैसे ही आप दिवाली बैकग्राउंड डालेंगे तो बहुत सारे बैकग्राउंड आपको गूगल पर मिल जाएंगे। आप इसको देखिए, हमने यही वाला सेम बैकग्राउंड यहाँ पर अप्लाई किया था, तो इसको सिंपल सा आपको कॉपी करना है और वहाँ पर ड्रैग कर देना है। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ यहाँ से और वहाँ पे सेट करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसको कॉपी, और यहाँ आकर के फ़ोटोशॉप में इसको हम इस वाले बैकग्राउंड में पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया, और इसको Ctrl+T से फ्री ट्रांसफॉर्म करके इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने बड़ा कर लिया, और उसके बाद में थोड़ा सा इसको हम इरेज करने की कोशिश करेंगे। और इरेज करने से पहले जो नीचे का भाग है वो भी हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लगा लेते हैं, कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ से ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला बैकग्राउंड चल सकता है वहाँ पर, ये वाला बैकग्राउंड। तो ये वाले बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी इमेज, और यहाँ पर ला करके फिर से हम फोटोशॉप में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। Ctrl+V से पेस्ट, और इन दोनों को हम बड़ा कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके का। और यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मुझे करना क्या है, थोड़ा सा इसको ब्लर करना है, यानी मर्ज करना है इसको। तो Ctrl+ पहले हम T करते हैं, यानी इसको सेट करने के लिए प्रॉपर हम इसको बड़ा करेंगे ऐसे, और यहाँ पर इसको सेट करेंगे। तो इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे, टूल बार में जाएंगे, इरेजर टूल, इसका शॉर्टकट की है ई, ई प्रेस करेंगे तो इरेजर टूल एक्टिव हो जाएगा और इस तरह से कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो इरेजर टूल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, इसका शॉर्टकट की है ई, और अब इसको हम इरेज करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर प्रॉपर्टी में आपको ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेना है, और यहाँ जो फ्लो है इसका, फ्लो आप अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका ब्रश का जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्रैकेट की सहायता से ब्रश का साइज़ वगैरह भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो मैं इसको हल्का सा इरेज कर देता हूँ पहले, जितनी हमारी ओपेसिटी है उस तरीके का यहाँ पे इरेज हो रहा है। ये ओपेसिटी अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। तो और थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ इतना, ठीक है। और यहाँ मैं इसको पूरी तरीके से मर्ज कर देता हूँ एक में। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया है। अब थोड़ा सा इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और Ctrl+M प्रेस करेंगे तो इसका थोड़ा सा कर्व बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इसको इस तरीके का, इस तरीके से,
और उसके बाद में हम यहाँ से ओके कर देंगे। और अब मुझे करना क्या है, इसमें बारी बारी से इस मैटर को फिल करना है। तो क्योंकि बैकग्राउंड हमारा जो है वो रेडी हो गया है, अब जो मैटर हमारा बचता है उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो मैटर को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भारतीय हिंदी फॉन्ट है। जैसे कि हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, टी प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, तो टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, तो अभी आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ जो भारतीय हिंदी फॉन्ट है, ये वाला जो फॉन्ट यहाँ पे यूज़ किया गया, इसका नाम यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो इस तरह से आप सेम फॉन्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप दूसरा फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बारी बारी से आप फॉन्ट की चेकिंग कर सकते हैं, कौन सा फॉन्ट यहाँ पे यूज होता है। ये राज फॉन्ट है और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि बैकग्राउंड यहाँ पे रेडी हो गया था, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको यहाँ से उठा लेते हैं। जैसे कि इसको यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक। ये देखिए, यहाँ पर ला के हमने रख दिया, अब ये यहाँ पर आ गया। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, शुभ दीपावली यहाँ पर हो गया। और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो और टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये सबको मैं बारी बारी से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। और उसके बाद में यहाँ पर ला के रख देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके का। अब कलर मैचिंग आपको करना है, कि जैसे कि बैकग्राउंड कलर है तो उस तरह से कलर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर टेक्स्ट को दिखना ज़रूरी है। या फिर आप यहाँ पे स्ट्रोक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। और उसके बाद में ये दोनों टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यानी इसको ड्रैग करेंगे। तो पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं बारी बारी से, और उसके बाद में इसको ड्रैग करते हैं इसके अंदर इस तरीके का, यहाँ पे इसको रख देते हैं, ठीक है। अब जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, थोड़ा सा इसको ब्लर करना पड़ेगा। ब्लर करने के लिए आपको फ़िल्टर में जाना है, और यहाँ पे ब्लर पे जाना है, फिर गॉसियन ब्लर पे क्लिक कर देना है, ताकि ये जो प्रॉपर वर्ड है ये दिखाई दे। तो यहाँ एक विंडो खुल जाती है। अब यहाँ पे इसको डायमीटर सेट करिए, और थोड़ा सा इसको इधर की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अब इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। कंट्रोल प्लस बी करेंगे, इसका कलर बैलेंस थोड़ा सा सेट करेंगे। तो कलर बैलेंस हम यहाँ से देख लेते हैं, और उसके बाद में अब क्या रह जाता है, यहाँ पे जो है ये कुछ दिया वगैरह जो भी हैं, ये PNG फाइल आपको गूगल पे मिल जाएगी आराम से। अब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसमें, उसके बाद में इसको यहाँ पे छोटा कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी बड़ी है यहाँ पे दिया ये देखिए, इस तरह से छोटे कर लेना है। और इसकी कॉपी अगर आपको करना है, तो Alt की सहायता से इसकी कॉपी कर सकते हैं। Alt और Shift प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी बनती जाएगी यहाँ पर। और मैं ये वाली कॉपी डिलीट कर देता हूँ, दो ही कॉपी यहाँ पे रखूँगा। अब लास्ट रह जाता है हमारा जो है, ये है कि अब अपना फ़ोटो और नाम कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि फ़ोटो और नाम लगाने के लिए आपको एक फ़ोटो तो लेके आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए फ़ाइल में जाना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। मेरे पास ये वाली फ़ोटो है, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और बगल में इसको रखूँगा, और इस फ़ोटो को हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ड्रैग कर लिया है, और उसके बाद में सेट करेंगे इसको इस तरीके का ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये फ़ोटो सेट हो गई है। और अब बात रह जाती है कि कुछ एरिया यहाँ पे जगह जो है ये खाली है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो शुभ दीपावली लिखा हुआ है इसको मैं एंटर कर लेता हूँ। कंट्रोल ए करके इसका फॉन्ट भी मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। अब मैं इस फॉन्ट को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, दूसरा फॉन्ट कोई लगा लेता हूँ जैसे। और उसके बाद में इसमें स्ट्रोक लगा दीजिए। तो स्ट्रोक लगाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है FX पे, और यहाँ पे स्ट्रोक मिल जाएगा आपको। स्ट्रोक पे क्लिक करिए, और यहाँ से स्ट्रोक लगा लीजिए आप वाइट कलर का, ठीक है। ओके करिए, और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो अब जो है हमारा पोस्टर यहाँ पे रेडी है, बट इसका अभी नाम नहीं लिखा गया। तो नाम लिखने के लिए आप सिंपल इस फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, यानी जिसके ऊपर आपको नाम लिखना है, पहले उसको क्लिक कर लें, और उसके बाद में इसको यहाँ पे ड्रैग कर दें, और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लें इस तरह से। ये यहाँ पे सेम टू सेम हमने यहाँ पे कोशिश किया है बनाने की। और आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर शुभ लाभ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसकी कॉपी किया, और यहाँ पर Alt के साथ इसको एक कॉपी बना लेते हैं, और यहाँ टेक्स्ट टूल पर जाएंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे शुभ लाभ। तो मैं पहले इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, तो शुभ तो यहाँ पे हो गया है। अब मैं इसको मूव टूल पे जाता हूँ, और इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा इस तरीके का। लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो
स्टॉक है बहुत ज़्यादा है तो स्टॉक यहाँ से कम भी कर सकते हैं। स्टॉक पे जाएंगे और यहाँ थोड़ा सा कम कर देंगे या फिर नाम मात्र का कर देंगे, ठीक है। अब अल्ट के साथ में इसकी एक कॉपी बनाएंगे और जैसे कि आप जानते हैं शुभ लाभ लिखा जाता है तो इसकी यहाँ कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे लाभ, ठीक है। तो यहाँ पे भा लिखा हुआ है ऑलरेडी तो हम ला लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा शुभ लाभ, ठीक है। कंट्रोल प्लस जीरो करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का फुल पेज में ये आ जाएगा। और बाकी रह गया जो धनतेरस और दीपावली है तो इसमें भी आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल प्लस जीरो करेंगे और अब इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। तो सेव करने के लिए आपको सिंपल सा कंट्रोल शिफ्ट यस प्रेस करना है, यहाँ से जेपीईजी सिलेक्ट कर लेना है, ये रहा जेपीईजी मोड, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, सेव। एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से भी ओके कर दीजिए। डेस्कटॉप पे ये रही आपकी जेपीजी फाइल। और अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर, जहाँ कहीं भी आपको शेयर करना है आप इसको शेयर कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी जो PSD फाइल है ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे आसानी से डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।